चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय का असर आज से मध्य प्रदेश में देखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर प्रदेश में येल्लो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिन तक प्रदेश में कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान का भारी असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक ममता यादव की माने तो बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्र में आज भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही नीमच मंदसौर राजगढ़ में भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। सुनिए मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने क्या कहा। बिपरजॉय तूफान का जो रिमिनेंट है वो कम दबाव के क्षेत्र के रूप में राजस्थान के इलाकों में अभी उपस्थित है और उसका जो क्लाउड बैंड है, उसके जो बादल हैं, उसका क्लाउड बैंड मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और इन बादलों के चलते अधिकतम तापमानों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं हवा की जो गति वो भी थोड़ा ज़्यादा रह रही है। आगामी दिनों में प्रदेश में, मतलब आज शाम से मध्य प्रदेश में बरसात की गतिविधियां लगभग सक्रिय हो सकेंगी। नॉर्थ मध्य प्रदेश के इलाके, विशेषकर ग्वालियर चंबल के जिलों में भारी से अति भारी बरसात होने की संभावना रहेगी कुछ जिलों में, और गरज चमक की स्थिति के साथ कहीं कहीं पर तेज़ हवाएँ भी चल सकेंगी। और आगामी दूसरे से तीसरे दिन आते आते मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर भारी से अति भारी बरसात का दौर आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार बना रहेगा। उन जिलों को ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में रखा जाएगा। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में बरसात की गतिविधियाँ रहेंगी, आगामी 2-3 दिन तक लगातार बनी रहेंगी। अधिकतम तापमानों में गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुँचने की संभावना है।